तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। तो ये कहता है, सेटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन ए सर्कुलर रेडियस ऑफ आर 8000 किलोमीटर। तो ये जो रेडियस है वो 8000 किलोमीटर है। तो 8000 किलोमीटर एक सेटेलाइट है, और ये ध्यान रखना कि रेडियस है, ठीक है। तो ऑर्बिट है, तो सेंटर से काउंट करूँगा, यहाँ से सेंटर सी है, ऑर्बिट रेडियस आ रहा है, ठीक है ना। ये कहता है विथ व्हाट स्पीड से सेटेलाइट भी प्रोजेक्टेड इनटू ऑर्बिट, मतलब ऑर्बिट में इसके ऑर्बिट में कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया होगा। देखो तो जो भी स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया होगा सेटेलाइट, तो वही स्पीड उसकी ऑर्बिटल स्पीड होगी। तो ऑर्बिटल स्पीड वह स्पीड जिस स्पीड से अगर अर्थ से प्रोजेक्ट किया जाता और अपनी ऑर्बिट में चला जाता है, ठीक है, तो इस स्पेशल स्पीड से सेटेलाइट को फेंका गया होगा, ठीक है ना, इस ऑर्बिटल स्पीड वी नॉट से फेंका गया होगा, जिससे यह जाके सेटेलाइट बन गया होगा और उसी स्पीड वी नॉट से चल लाए, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वालिटी एजुकेशन है भाई, कॉन्सेप्ट की पूरा कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको यहाँ पे। तो ये ऑर्बिटल स्पीड, तो उसी ऑर्बिटल स्पीड की कैलकुलेशन करना, साथ साथ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है भाई, कि ए पॉइंट से चला इस सर्कल में, तो ये दोबारा ऐसे चक्कर लगा के ए पॉइंट पर आएगा तो कितना टाइम लगेगा, इसकी भी कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं सॉल्व करूँ तो इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो अब देखो कोई भी चीज़ अगर सर्कल में मूव करती है बच्चों, तो सर्कल में मूव करने के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो क्या है भाई, तो सर्कल में मूव करने के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स ग्राउंड से अगर मैं देखूँगा तो इस पे सेंटर की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और यही ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन रहा होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स तो है नहीं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एम ऑर्बिटल स्पीड वी स्क्वायर और रेडियस, एम क्या है मास ऑफ द सेटेलाइट, मस्ट बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ सेटेलाइट और रेडियस आर का स्क्वायर। तो इस मान लेने से हम हमको ख़त्म कर दिया, तो ऑर्बिटल स्पीड की जो वैल्यू आ जाएगी वो जी एम ओवर स्मॉल आर अंडर रूट। अगर आपको फार्मूला पहले से याद है तो आप लगा सकते थे, मैं आपको रोकने नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो ये जी आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर अंडर रूट, ठीक है, जी आर स्क्वायर। एक मिनट, यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो भाई गड़बड़ हो गया तो सही कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कैपिटल जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर और ये स्मॉल आर अंडर रूट सब कुछ। तो दिस इज द ऑर्बिटल स्पीड। अब सबकी वैल्यू रख दोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ऑर्बिटल स्पीड वी की वैल्यू, जी की वैल्यू रखो 9.8 और रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर आर का इसका स्क्वायर डिवाइड कर दूं, ठीक है, डिवाइड कर दूं यहाँ से ये स्मॉल आर की वैल्यू कितना है 800, तो ये सब कुछ अंडर रूट रहेगा। तो फाइनली जो ऑर्बिटल स्पीड है वो आप कैलकुलेट कर लेना, तो ये आ जाएगा 7.08 किलोमीटर पर सेकंड, यूनिट नहीं, मैं नहीं चेंज किया हूँ, तो किलोमीटर पर सेकंड में ही आएगा। तो ये मज़ा आ गया होगा आपको समझ के पार्ट फर्स्ट। तो पार्ट टू की बात करो तो इसका जो पार्ट टू है तो उसको सॉल्व करते हैं। पार्ट टू में कहता है कि अगर पॉइंट ए से चलेगा ऐसे सेटेलाइट जाएगा तो इसी पॉइंट पे इधर से कहीं आएगा तो कितना टाइम लगेगा। तो ये रेडियस आर है, तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 2πr चलेगा और स्पीड भी है भाई, तो टाइम पीरियड यहाँ से आ जाएगा। तो 2π की वैल्यू 3.14 और रेडियस 800 आ जाएगा, 8000 किलोमीटर, और ये जो वेलोसिटी है वो 0.8 पहले ही आप निकाल चुके हो। तो टाइम पीरियड इसको कैलकुलेट कर लोगे तो 118 मिनट्स आ जाता है, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। तो इतना आपको फाइनल सोल्यूशन मिल गया होगा। तो दिस इज़ द फाइनल सोल्यूशन ऑफ द ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द सॉल्व एक्सरसाइज ऑफ द एससी वर्मा।